फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू लैट्स लर्न दे विच थोड़ा स्वागत है। हाँ जी असं लैसन रीड कर रहे थे सिक्स सो स्टार्ट करते हैं। नैक्सट रस्टिंग ऑफ आयरन। यू मस्ट हैव सीन दैट एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लैफ्ट आउटसाइड इन अ रेन इन द रेन अ रेडिश ब्राउन लेयर इज डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रस्ट विच फॉर्म्स नेचुरली ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। द प्रोसैस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग। देखो जो थानू पता है कि कोई आयरन का पीस आ, आयरन मीनस लोहा, लोहे का कोई भी पीस आ, वो आउटसाइड पर जो मतलब कि रेन के नाल थोड़ा मतलब कि रेडिश ब्राउन कलर की जी परत जम जाती है, जिदा जिन्हों जंगाल बोल दें आप, जंग बोल दें, वो की होंगे रस्ट हों। ठीक है, इस प्रोसैस में आप रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, रेन की वजह के नाल, बारिश की वजह के नाल, सरफस के उपर ब्राउन कलर की, रेडिश कलर की जी है परत जम जाती है। ठीक है, जिदा देखो आयरन ये कि क्रिया करते, ऑक्सीजन प्लस वॉटर, तो बनता आयरन ऑक्साइड जिन्होंने रस्ट बोलते हैं। ठीक है, उस तो बाद भी याद रखनी तुम्हें, फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज सीम्ड बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। मतलब कि ये रस्टिंग के लिए कि चीज़ा जरूरी है, मतलब ऑक्सीजन तो वाटर के नाल ही बनती है। ठीक है, नैक्सट उस तो बाद देखो, द लेयर ऑफ रस्ट फॉल्स ऑफ स्लोली एंड फ्रैश मैटल सर्फिस इज एक्सपोज टू फरदर रस्टिंग। दिस ग्रैजुअली वीकेंस द आयरन ऑब्जेक्ट। मतलब की है कि यह जंगाल हौली 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 फैलता है। ठीक है, लोहे के उपर तो जे मतलब आयरन जो स्ट्रोंग हों पोर्शन उन्होंने की कर दें, वीक कर दें। ठीक है, नैक्सट उस तो बाद, डैमेज ड्यू टू द रस्टिंग कॉजिज हैवी लॉसिज एंड आयरन इज यूज टू मेक ब्रिजिज शिप्स कार्स ट्रक एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, देयर फॉर रस्टिंग नीड टू बी प्रिवेंटड। ठीक है, ता ही कहें मतलब डैमेज हो जाता है जोड़ा रस्टिंग के नाल हैवी लॉस हों, जिदा मतलब कि जिद आयरन यूज़ होंगी, जिदा ब्रिजिज के शिप्स के कार्स के इन ज़्यादा रस्ट जी यूज़ होंगी है, ये होंगी है, ता ही ये कहते प्रिवेंट किया जाता, रोकया जाता कि इनू मतलब घट यूज़ करो इन। ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, आप कि कर सकते इनू प्रिवेंट रस्टिंग। सब तो पहला तो देखो, वी कैन प्रिवेंट बाय प्रिवेंटिंग आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कंटेंट विद एयर और वाटर और बोथ्स। मतलब कि असी इनू रोक कि सकते, देखो मेन ये हवा ऑक्सीजन तो पानी के नाल लगती है, सगो इसलिए सानू इन्हां दे कॉन्टैक्ट दे विच लोहे नू आने तो रोकना चाहिए। ठीक है, ता करके इहदा प्रिवेंट हो रुक सके, प्रिवेंशन हो सके। ठीक है, अपलाई अ कॉट ऑफ ग्रीस और पेंट। मतलब कि ते ग्रीस या पेंट का थोड़ा जा अपलाई करना चाहिए कोट। ठीक है, जिहदे नाल कि वह रेगूलरली ठीक रहे। ठीक है, वाई नैक्सट आ गया, वाई गैलवेनीजेशन। इट इज़ अ प्रोसैस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट। जिंक फ्लो फॉर्म्स द लेयर ऑफ, मतलब कि एक ही एक तरह की प्रोसैस आ। ठीक है, जिदे की किया जाता है, जिंक का जोड़ा आ लेयर जी उपर पे की जाती, चढ़ाई जाती है। ठीक है, जिद आयरन ऑब्जेक्ट जोड़ा ठीक रहा है। ठीक है, और जो रिएक्ट हों, रिएक्शन हों, एयर तो ऑक्सीजन एयर तो वॉटर का जोड़ा आनू रोकता है। ठीक है, उस तो बाद, वाई अलॉइंग सर्टेन मैटल्स कैन बी मेड रस्ट फ्री वैन मिक्सड विद। मतलब कि कई मैटल्स होंदियां आ धातां होंदियां जिहड़ियां कि रस्ट फ्री होंदियां। ठीक है, वैन मिक्सड विद द कोर्शन रिसिस्टेंट मैटल्स। स्टेनलैस स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन निकल्स एंड क्रोमियम एंड डज नॉट रस्ट। ठीक है, इन्हां चीज़ों पर रस्ट जी नहीं होंदी हैगी। नैक्सट उस तो बाद आ गया क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्रोसैस बाय विच पुअर क्रिस्टल्स ऑफ द सबसटेंस आर ऑबटेन फ्रॉम एन इम्प्योर सबसटेंस। क्रिस्टल्स आर द पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ द सबसटेंस हैविंग द फिक्सड ज्योमैट्रिकल शेप। लैट अस स्फीयर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। क्रिस्टलाइजेशन की है प्रोसैस है जिद की किया जाता है, बाय विच प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सबसटेंस, यानी कि प्योर किया जाता क्रिस्टल नू। ठीक है, ऑबटेन करने के लिए इम्प्योर सबसटेंस। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट देखो, क्रिस्टल इज़ पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ सब, एक ही एक तरह की वधिया जी पुअरेस्ट फॉर्म आ सबसटेंस की। ठीक है, जिड़ी कि मिक्सड होंगी है ज्योमैट्रिकल शेप। ठीक है, नैक्सट उस तो बाद फिनिश हो गया। ठीक है, चैप्टर नैक्सट असी यदि जी एक्टिविटी है और रीड कर लेनी है, बाकी जी यदि बैक एक्सरसाइज आ और बाकी जो क्वेश्चन आंसरस आ वो असी कल डिस्कस करते हैं। तुम इस लैसन में पूरी तरह रीड कर लेना, एक्टिविटीज़ ध्यान न पढ़ लिया करो, तो जी समझ आ वो चंगी तरह बन जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।